नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर अनबीटेबल प्राइस, विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। 2 फरवरी को अलीपुर द्वार आ रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सामूहिक विवाह समारोह में करेंगे शिरकत। विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 फरवरी को एक दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर अलीपुर द्वार आ रही है। वे अलीपुर द्वार जिले के फालाकटा ब्लॉक में आयोजित आदिवासी समाज के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत करेंगी। प्रशासनिक सूत्र के अनुसार एक दिवसीय उत्तर बंगाल सफर में उनका अन्य कोई कार्यक्रम नहीं है। गौरतलब है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में फालाकटा विधानसभा सीट से भाजपा 26,000 अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को यहां अच्छे वोट मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अलीपुर दौरा माना जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मृदुल गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में शिरकत करने के लिए अलीपुर द्वार आ रही है। आगामी 2 तारीख हमारे माननीय मुख्यमंत्री এইখানে আসবেন গণবিবাহে। আমাদের আদিবাসীদের মধ্যে যে গণবিবাহ গেল বছর সরকার করেছেন তার একটা স্পট হবে ফালাকাটা। এই জেলায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে আসবেন, সেই বিয়েতে উপস্থিত থাকবেন, যেটা গেলবার থেকে শুরু হয়েছে সেই বিষয়ে মাঠটা দেখতে আমরা এলাম। तृणमूल कांग्रेस की नेत्री सुजाता खान ने जलपाईगुड़ी में तृणमूल नेता की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने किया पलटवार। टीएमसी नेत्री सुजाता खान ने जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी में तृणमूल नेता रंजीत अधिकारी की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। गुरुवार को जलपाईगुड़ी में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने ये बातें कही। गौरतलब है कि 17 जनवरी की रात मैनागुड़ी के सप्टी बॉर्डे इलाके में दलिया कार्यक्रम के बाद घर लौटने के दौरान रस्ते में रंजीत अधिकारी की नृशंस हत्या कर दी गई थी। टीएमसी की ओर से घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी समर्थकों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। इस सिलसिले में 4 भाजपा कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इधर तृणमूल नेत्री सुजाता खान कल मृतक तृणमूल नेता के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। वहीं एक पत्रकार सम्मेलन में सुजाता खान ने तृणमूल नेता की हत्या के पीछे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी समर्थकों का हाथ होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मारे गए तृणमूल नेता एक राजवंशी समुदाय से ताल्लुक रखते थे, वे खुद राजवंशी समुदाय से आती है। साथ ही उन्होंने भाजपा पर दलित संप्रदाय पर लगातार अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद राजवंशी संप्रदाय से आते हैं, जिसकी हत्या हुई वे भी राजवंशी संप्रदाय से थे, इस वजह से हत्याकांड की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर इस बारे में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दीपेन परमानिक ने कहा कि यदि हत्याकांड की सीबीआई जांच होती है तो निश्चित तौर पर घटना में तृणमूल समर्थकों की संलिप्तता उजागर होगी। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव से लेकर आज तक जितने भी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसकी भी सीबीआई जांच की मांग की। দেশের গণতান্ত্রিক সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদে তারা বিলং করেন, আজকে তাকে মানুষ ভোটে জিতিয়েছে, তাদের অনেক আশা আশ্বাস নিয়েই জিতিয়েছে, এবং জাস্ট 1.5 বছর আগে তারা জিতে এসেছে বিপুল ভোটে, তাহলে আজকে তাদের লোকাল মানুষের নিরাপত্তাটা দেওয়াটা কি উচিত না তাদের? এবং যিনি জিতেছেন তিনিও রাজবংশী, এবং যে মারা গেছে সেও রাজবংশী, সে একটা সিডুলকা সম্প্রদায়ের মানুষ, মানে সেই বার বার কি পিছড়ে বর্গ সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচার হতেই থাকবে। আজকে আমাকে প্রতিনিধিত্ব করতে পাঠানো হয়েছে আমার দলের তরফে, আমি নিজে একজন পিছড়ে বর্গ সম্প্রদায়ের মানুষ, একটা দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ, আমার যন্ত্রণা জায়গাটা ভাবুন যে আমারই সম্প্রদায়ের একজন মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা হতে হলো, তার অপরাধটা কি না? সে একজন দিদির সৈনিক, সে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সৈনিক, এটাই তার অপরাধ। তার পরিবারটিকে দেখে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক নয় সে, সে আম্বানি আদানি নয়, তাহলে তাকে কেন মারা হলো? 100% আমাদের তো প্রশাসন পুরোপুরি থাকবে, আমাদের সিআইডি, আমাদের সিবিআই, আমাদের আমাদের আইন কানুন প্রশাসন রাজ্য স্তরের তো সর্বতোভাবে দিদি এবং আমাদের ওনার সাথে রয়েছেন, তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারটির সাথে সর্বতোভাবে রয়েছে, পুরো বাচ্চাগুলির পড়াশোনার দায়িত্ব পুরোটাই নেওয়া হয়েছে, এবং তার পরিবারে যাতে ভরণ পোষণের কোনো অসুবিধা না হয় সেটারও নেওয়া হয়েছে ব্যবস্থা, এবং আগামী দিনে তাদের পাশে আরো কিভাবে দাঁড়ানো যায় সেটা আমার নেতৃত্ব, স্থানীয় নেতৃত্বের সাথে আমাদের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিশ্চয়ই আলোচনায় বসে ঠিক করবেন যে তাদেরকে কিভাবে তাদের পরিবারটা সর্বতোভাবে ভালো করা যায়। কিন্তু আমি এটাই বলবো, বারবার একটা কথাই বলবো, যেহেতু স্থানীয় সাংসদ ভারতীয় জনতা পার্টি, তারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারে আছেন,
তিনি রাজবংশী সম্প্রদায়, এবং যিনি মারা গেছেন তিনি রাজবংশী সম্প্রদায়। আমি অবিলম্বে নিরপেক্ষ সিবিআই তদন্ত চাই, এবং যারা দুষ্কৃতী, যারা হত্যাকারী, তাদের তার স্ত্রী যেটা চেয়েছে, যেটা উনি তো ডাইরেক্ট মুখে বলেছেন ফাঁসি। আমি একটা পার্টির তরফে প্রতিনিধি হিসেবে এসে তো সেই কথাটা আমি বলতে পারি না, কারণ সেটা আইন আইনের পথে চলবে, কিন্তু আমি এটাই চাই চরমতম শাস্তি হোক অবিলম্বে। গতকাল ময়নাগুড়ি সাপ্তিবাড়িতে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী সুজাতা মণ্ডল খা একটি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন যে রঞ্জিত অধিকারীর মৃত্যুর সিবিআই তদন্ত চাই। তিনি এই তদন্ত চেয়ে পরোক্ষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকেই বিপাকে ফেলেছেন, কারণ এটা যদি সিবিআই তদন্ত হয় তাহলে নিশ্চিতভাবে তৃণমূলের লোকই ধরা পড়বে, তৃণমূলের লোকেই ফাঁসবে, তৃণমূলের লোকেই জেল খাটবে, এটা নিশ্চিত। আমরা জানি যে ভারতীয় জনতা পার্টির যে 135 জন পশ্চিমবঙ্গে খুন হয়েছে যাবৎকাল পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে, তার মধ্যে প্রায় 110 জন যারা তপশিলীভুক্ত সম্প্রদায়ের, আর যদি সেটাও সিবিআই তদন্ত হয় সেটা তো তৃণমূল কংগ্রেসই ফাঁসবে, তৃণমূল কংগ্রেসের খুনিরা, তাদের সন্ত্রাসীরাই ধরা পড়বে, তাদেরই পুলিশ গ্রেপ্তার করে সিবিআই গ্রেপ্তার করে তাদের জেলে পুরবে। আর এই সুজাতা মুসিদ্দির এই মন্তব্যে আরও তৃণমূল কংগ্রেসরা সেখানে যুক্ত হবে, দোষী হিসাবে সাব্যস্ত হবে এবং তারাও জেলে যাবে। देश में 24 घंटे में 15,000 से कम आए कोरोना केसेस, अब तक 10 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे में 14,545 नए कोरोना केसेस सामने आए, वहीं 163 लोगों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 18,002 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,06,25,428 हो गई है। देश में अब तक 10,43,534 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बीते दिन 2,37,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़े के अनुसार अब तक देश में 1,53,032 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 1,88,000 हो गई है। अब तक कुल 1,02,83,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के मुताबिक 21 जनवरी तक कोरोना वायरस के लिए कुल 19,01,48,000 कोरोना के सैंपल टेस्ट किए गए, जिनमें से 8,00,000 सैंपल कल ही टेस्ट किए गए। भारत दर्शन ट्रेन में उठाएंगे धार्मिक पर्यटन का लुत्फ, 23 फरवरी से अगरतला से होगी रवाना। भारत दर्शन नामक विशेष पर्यटक ट्रेन इस वर्ष 23 फरवरी को अगरतला से रवाना होगी। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से भारत दर्शन नामक यह विशेष ट्रेन चलाया जा रहा है। ट्रेन अपनी सफर के दौरान यात्रियों को अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत अन्य दर्शनीय स्थानों का भ्रमण कराएगी। यात्रा के दौरान 9 दिनों व 8 रातों के सफर के बाद यह विशेष ट्रेन वापस अगरतला लौट जाएगी। इस यात्रा का नाम श्री राम पथ दिया गया है। यात्रा के दौरान यह विशेष ट्रेन NJP, न्यू कुचबिहार, अगरतला, धर्मनगर समेत विभिन्न स्टेशनों से गुजरेगी। IRTC के उच्च अधिकारी अनुज ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि आम लोगों के लिए धार्मिक पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे की ओर से यह विशेष पहल की गई है। उन्होंने बताया कि पर्यटन ट्रेन में सफर करने के लिए लोगों को 8,505 रुपये किराया अदा करना होगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के साथ साथ ई टिकट की भी व्यवस्था की गई है। मैं आज आपके पास भारत दर्शन नाम का एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ। यह भारत दर्शन ट्रेन जो है, ये एक भारत रेलवे का एक प्रोडक्ट है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जो निम्न या सामान्य क्षेत्र के जो लोग हैं, सामान्य आय वर्ग के जो लोग हैं, उनके लिए है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति जो है, टूरिस्ट जो टूरिस्ट प्लेस जाना चाहता है, लेकिन वो किसी टूर ऑपरेटर का पैकेज अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके पास उतनी सुविधा नहीं होती है, या उसको आने जाने का जो टोटल कॉम्बिनेशन है, होटल बुकिंग वगैरह है, उसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो हम लोग ने सिंगल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है सबके लिए, सामान्य जन के लिए। इसमें हम सबको एक साधारण रेट में लेके आते हैं, जिसमें खाना पीना, रहना घूमना सब इंक्लूडेड रहता है। इस बार हम जो ट्रेन लेके जा रहे हैं, ये है श्रीराम पथ। हम इस ट्रेन को स्टार्ट करेंगे 23 फरवरी अगरतला से, और ये NJP होके जाएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ।
उद्देश्य यह है कि न्यू जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल, दार्जिलिंग, सिक्किम, यहाँ के लोग भी इस सुविधा का उपभोग करें। इस पैकेज में जो प्रति व्यक्ति भाड़ा है वो 8,505 रुपये है। अब इसमें क्या क्या सम्मिलित है? स्लीपर क्लास का रेल भाड़ा, आने जाने का स्लीपर क्लास का रेल भाड़ा। इस दौरान पूरे पैकेज में जो खाने की व्यवस्था है, खाने पीने की जो व्यवस्था है, ये शाकाहारी व्यवस्था इसी रेट में है। प्लस जहाँ धर्मशाला या लॉज वगैरह में हम रुकेंगे तो वहाँ के रहने का जो खर्च है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस रेलवे स्टेशन से उतर के पर्यटन स्थल तक जाना या धर्मशाला तक जाना, वो जो बस की व्यवस्था है वो भी इस कॉस्ट में इंक्लूडेड। पहाड़ के सभी तीनों विधानसभा सीटों पर जीतेगी भाजपा, सत्यानंद बासु ने किया दावा। भारत भूटान सीमावर्ती शहर जयगांव में चाय पे चर्चा के दौरान भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतन बासु ने कहा कि पहाड़ के सभी तीनों विधानसभा सीटें भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। उन्होंने कहा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के समर्थक और नेता धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो रहे हैं। एक दिन पहले ही मिरिक में 100 से ज्यादा समर्थक भाजपा में शामिल हुए हैं। चाय पर चर्चा के दौरान आम लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही तृणमूल कांग्रेस के आतंक से छुटकारा मिलने वाला है। आगामी विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा सत्ता में आ रही है। पहाड़ सहित सभी जगहों में अच्छे उम्मीदवार को उतारा जाएगा ताकि जीत सुनिश्चित हो सके। আমি তো গতকাল আলিপুরদুয়ার এসেছিলাম চা শ্রমিকদের নিয়ে যে মিছিল অংশ নিয়েছি। আজকে মিরিকে একটা বড় কার্যক্রম ছিল, প্রায় 100 জনের ওপর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কার্যকর্তা আমাদের দলে যোগদান করছেন, তার জন্য আমাকে কালকে মিরিক যেতে হয়েছিল। আবার আসলাম জয়গাতে, আজকে কার্যক্রম আছে, কার্যকর্তাদের সঙ্গে বসা ছিল, চা ছাত্র ছিল, আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ছিল, কালকে মাদারিহাটে আছে। পাহাড়ে আমরা 3টে আসনে বিজেপি জিতবে। कर्नाटक के शिवमोंगा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में धमाके से 8 मजदूरों की मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख। दक्षिण राज्य कर्नाटका के शिवमोंगा जिले में रात को ट्रक में भरकर ले जा रहे विस्फोटक में धमाका हो गया, जिससे कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई और आसपास के क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। धमाका इतना बड़ा था कि सड़क भी टूट गई, साथ ही आसपास मौजूद घरों और दफ्तरों के शीशे भी चकनाचूर हो गए। इस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। शिवमोंगा कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक खनन के लिए ले जा रहे थे। पत्थर तोड़ने के स्थान पर रात 10:30 बजे के लगभग धमाका हुआ, जिससे न केवल शिवमोंगा बल्कि पास के चिकलमंगलुरु और दावणगेरे जिलों में भी झटके महसूस किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि विस्फोट इतना तेज था कि घरों की खिड़की के शीशे टूट गए और सड़कों पर भी दरारें पैदा हो गई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। खुट्टा घुड़ा खुट्टा दुख्ने हाथ दुख्ने कमती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरु सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर एचडी लामा रोड अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स जनता लज दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। घरको फर्शको चमकको रखे बरकरार डिप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घरको साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप ही अपनाइए डीप स्टीमोल। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक, काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टेक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम, घर दुकान मकान गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट,
रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, थर्ड माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. Khana order kare. Ye Kareena hi-fi wali baat. Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture. Unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK Live ही best option है। SK Live का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अलीपुर द्वार में राजवंशी कल्चर अकादमी का शिलान्यास भाजपा ने लगाया, चुनाव से पहले राजवंशी समुदाय को प्रभावित करने का आरोप। अलीपुर द्वार शहर के निकट वीरपाड़ा में राजवंशी कल्चरल अकादमी का शिलान्यास किया गया। राजवंशी उन्नयन परिषद के चेयरमैन वंशीवर्धन बर्मन राजवंशी कल्चर अकादमी का शिलान्यास करने पहुंचे थे और उनके हाथों से अकादमी का शिलान्यास किया गया। इस समारोह में अलीपुर द्वार के विधायक सौरव चक्रवर्ती, जिला परिषद के उपसभाधिपति मनोरंजन दे समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल राजवंशी उन्नयन व संस्कृति परिषद की ओर से बेरपाड़ा में बहुप्रशिक्षित राजवंशी कल्चरल अकादमी की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से इसके लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। दूसरी ओर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजवंशी कल्चरल अकादमी के शिलान्यास को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। भाजपा के अलीपुर द्वार जिले के महासचिव सुमन कांजीलाल ने बताया कि चुनावी वैतरणी पार करने के लिए राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से यह सब पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि महज राजवंशी समुदाय के लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए सत्ताधारी पार्टी यह सब कदम उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि तृणमूल शासन काल में पिछले 10 वर्षों में राजवंशी समुदाय के लोगों का कुछ विकास नहीं हुआ, उन पर राजनीतिक आतंक का कहर ढाया गया। राजवंशी समुदाय के आक्रोश से बचने के लिए सरकार अब इस तरह की पहल कर रही है। उन्होंने राज्य की TMC सरकार पर बेरोजगारों को नौकरी नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की और से यहां सब तिगड़मबाजी का चुनाव में कोई असर नहीं होगा। दूसरी ओर राजवंशी उन्नयन व सांस्कृतिक परिषद के चेयरमैन वंशीवर्धन बर्मन ने कहा कि राजवंशी समाज के विकास के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि राजवंशी कल्चरल अकेडमी का शिलान्यास में राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। আজকে আমরা রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট কালচার বোর্ডের তরফ থেকে আলিপুরের এই জায়গা আমরা রাজবংশী কৃষ্টি কালচার চর্চা কেন্দ্রর একটা ভিত্তি স্থাপন করব। সেই উপলক্ষে আজকের এই জমায়েত বা আয়োজন আমরা এইখানের মানুষগুলো জমায়েত করিয়া এই বার্তা দিবার চাই যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আজকের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই রাজবংশী জনগণের জন্যে এবার কৃষ্টি কালচার ধরার জন্য এত কিছু ব্যবস্থা করিবার লাগছে। আমার রাজবংশী সংস্কৃতির চর্চা করার জন্য যত যন্ত্রপাতি ভাবের যন্ত্রপাতি তুলে ধরছে, রাজবংশী ডেভেলপ করার জন্য আমরা রাজবংশী আবাস দিয়েছি তা বলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার রাজবংশী মানুষের জন্য এই যে 200টা রাজবংশী প্রাইমারি স্কুল সেটা অনুমোদন করার জন্য ঘোষণা করছে, নারায়ণী ব্যাটালিয়ন একটা করছে সেটা রাজবংশী মানুষ নিয়ে করবে বলিয়া কথা আছে, এবং আমার যে জাতির জনক রায়সাহেব বঞ্চন বর্মা ইমার জন্মদিনটা সরকারি ছুটি হিসেবে ঘোষণা করছে, এমন করে ভাল্লা ভাল্লা কর্মসূচি বা কর্ম পাশ করে দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী, তার এই সাধুবাদ ধন্যবাদ জানার জন্য একটা বিষয় আছে। আগামী দিনে যাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত শক্ত হয়, তার মধ্যে আমার রাজমন্ত্রী কমিটির মানুষগুলো যাতে সম্মান করে দেওয়া যায়, অন্য কোনো দল বা অন্য কোনো মানুষ বা অন্য কোনো মানুষ যাতে আমার কমিটির মানুষ ভুল বুঝিয়া ভুল বার্তা দিয়া অন্য কোনো প্ররোচনা মানে না ফেলায় তারই উদ্যোগ নেওয়ার মধ্যে সেই জনতা দিয়া আমরা সেই সচেতন বার্তা দেওয়ার আজকের এই উদ্যোগ। আজকের এই আমাদের আলিপুর দুয়ার এবং উত্তর বাংলার সহজ সরল রাজবংশী মানুষদের মন ভোলানোর জন্য ভোটের চমক হিসেবে এই সমস্ত করছে এই সরকার। রাজবংশী কালচারাল একাডেমি আজকে স্থাপন হয়েছে, ভালো কথা, কিন্তু আমাদের প্রশ্ন অন্য জায়গায় যে আপনি গত 10 বছরে এই সরকার
আমাদের এখানকার ভূমিপুত্রদের জন্য কোনো কোনো স্থায়ী কোনো আর্থসামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করলেন না। এই এলাকায় হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ রাজবংশী বেকার যুবক যুবতী, তাদের চাকরির কোনো নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারলেন না এবং লাগাতার রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপর রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং একের পর এক সামাজিক সন্ত্রাস আমরা লক্ষ্য করেছি। প্রচুর রাজবংশী পরিবারের তাদের শ্লেয়তাহানির চেষ্টা হয়েছে মা বোনদের। এরকম একটা ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ভোটের মুখে আপনারা আপনাদের প্রতি মানুষের, সাধারণ মানুষের এখানকার যা ক্ষোভ, সেই ক্ষোভ মেটানোর জন্য যে রাস্তা নিয়েছেন তাতে কিন্তু কোনো লাভ হবে না। কারণ এখানকার শান্তিপ্রিয় মানুষ চায় যে তাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন এবং এই নিয়ে একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা। আপনি বেকার যুবক যুবতীদের চাকরি দিতে পারলেন না, এখানকার ভূমিপুত্ররা নিজেদের জমি জমা ছেড়ে বাইরের ভিন রাজ্যে চাকরি করতে চলে যাচ্ছে, সেখানে পরিযায়ী শ্রমিকের তকমা পাচ্ছে, আর আপনি এখানে ভোটের মুখে কিছু দিয়ে সামনে টোপ দেখিয়ে আপনি ভোট কেনার চেষ্টা করছেন। এইভাবে কিন্তু এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদের, ভূমিপুত্রদের ভোলানো যায় না। এই অঞ্চলের সমস্ত সাধারণ মানুষ তারা ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গেই আছেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টিকেই আগামী দিনে আশীর্বাদ করবে। सिविल डिफेंस स्वेच्छा सेवक नौकरी के लिए 27 जनवरी को करेंगे नावन अभियान। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे सिविल डिफेंस स्वेच्छा सेवकों ने अब नावन अभियान का ऐलान कर दिया है। जलपाईगुड़ी में सिविल डिफेंस स्वेच्छा सेवकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर शहर में एक रैली निकाली गई और महकुमा शासक को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही ऐलान किया गया कि 27 जनवरी को नावन अभियान किया जाएगा। सिविल डिफेंस स्वेच्छा सेवकों की तरफ से प्रसन्नजीत बसक ने बताया कि हम लोग स्थायी नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनशन भी चल रहा है, लेकिन हमारे मांगे कोई नहीं सुन रहा है। यही कारण है कि हम लोग अब मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप चाहते हैं। मुख्यमंत्री ही हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने नावन अभियान का आयोजन करने का निर्णय लिया है। আমরা আজকে ডেপুটেশন দিতে যাচ্ছি ডিএমকে। আমরা এর আগে 4-5 বার ডেপুটেশন দিলাম, পুরো কাজ হচ্ছে না। আমরা আজকে লাস্ট বার জানিয়ে দিচ্ছি ডিএমকে, যদি আমরা 27 তারিখ আমরা নবান্ন অভিযান যাচ্ছি, 27 তারিখ নবান্ন অভিযান যদি কোনো পুলিশ লাঠি চার্জ বা আমাদের গায়ে হাঁচড়া বসে তাহলে জেলা শাসকের জন্য পুরোপুরি ভাবে দায়ী থাকবে। কারণ আমরা 9-10 মাস ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কোনো রকম ফিডব্যাক মিলছে না। আমরা এর জন্য আরো আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি এবং ডিএমকে জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের একটা ব্যবস্থা করে দিন। কি দাবি? দাবিটা কি? আবকারী বিভাগ নে অবৈধ দেশি শরাব বানানে কে কারখানে মে চলায়া অভিযান। উত্তর দিনাজপুর জেলে কে রায়গঞ্জ মে আবকারী বিভাগ নে অবৈধ দেশি শরাব বানানে কে কারখানে মে অভিযান চলায়া। आबकारी विभाग सूत्र के अनुसार रायगंज ब्लॉक के 11 नंबर वरघाई ग्राम पंचायत के बुधौर गांव में विशेष अभियान चलाकर देशी शराब के कारखाने में छापेमारी की गई। इस दौरान शराब बनाने की विभिन्न सामग्रियों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस अभियान में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उस गाँव में लंबे समय से देशी शराब के कारखाने चलाए जाने की शिकायत मिल रही थी। इसी के आधार पर पुलिस की मदद से अभियान चलाया गया। आबकारी विभाग के सुपरिटेंडेंट गौतम पाखरिन ने बताया कि गांव में अवैध शराब के कई कारखाने चलाए जाने की शिकायतें मिलने के बाद पुलिस व आबकारी विभाग की ओर से संयुक्त अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब के कारखाने में मौजूद शराब बनाने की विभिन्न सामग्रियों को नष्ट कर दिया गया। हालांकि इस अभियान में किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं आबकारी विभाग का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। একটা জয়েন্ট যুদ্ধ মানে একটা রেড ছিল, এটা একটা আমাদের রুটিন রেড, শেডিউল রেড। তো ওই জায়গায় চলায় ভাটি আছে, আমরা অনেকবার গিয়ে ভেঙেছি, অনেকবার অ্যারেস্টও হয়েছে। সেটা আজকে ওইটা একটা মানে রুটিন এটা অপারেশন বলতে পারবেন আপনারা, যেহেতু ইলেকশন আরও আছে আর সামনে আরও বেশি এটা আমরা আরও কী বলবো এটাকে এক্সপিডাইট করবো আরও বেশি। स्थायीकरण की मांग को लेकर इस्लामपुर कॉलेज के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, दी आंदोलन की चेतावनी। स्थायीकरण समेत विभिन्न मांगों को लेकर इस्लामपुर कॉलेज के अस्थायी कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी इस्लामपुर कॉलेज परिसर में स्थायीकरण के साथ ही 60 साल की उम्र तक नौकरी सुनिश्चित करने, सेवानिवृत्त के बाद पेंशन दिए जाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर इस्लामपुर कॉलेज कैजुअल एम्प्लॉयज समिति के बैनर तले कॉलेज परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने बताया कि हाल ही में काफी संख्या में शिक्षकों को स्थायी किया गया है, जबकि उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया। उन्होंने कहा कि स्थायी नौकरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी है।
सरकारी सुविधाओं से वंचित स्वनिर्भर समूह की महिलाओं ने कालियागंज में पथावरोध कर किया विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार पर अवहेलना का आरोप लगाते हुए स्वनिर्भर समूह की महिलाओं के द्वारा कालियागंज में रायगंज बालोरघाट 10 नंबर राजमार्ग स्थित विवेकानंद मोड़ पर पथावरोध किया गया। इस पथावरोध के कारण गाड़ियों का जमावड़ा लग गया और कुछ देर के लिए उत्तेजना का माहौल भी देखने को मिला। दरअसल महिलाओं की मांग है कि स्वनिर्भर समूह का गठन मनोनीत करके नहीं बल्कि निर्वाचन के माध्यम से परिचालन समिति का गठन किया जाए। इसके साथ ही उनका कहना है कि स्वनिर्भर समूह महिलाओं को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, यहाँ तक कि उनको किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है और न ही कोई रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही संपादिका को परिवर्तन करने के लिए कई बार गुहार लगाए जाने के बावजूद कोई नहीं सुन रहा है। स्वनिर्भर समूह की महिलाओं के इस आंदोलन को भाजपा युवा मोर्चा कालियागंज मंडल कमेटी की तरफ से भी सहयोग किया जा रहा है। महिलाओं के इस आंदोलन में युवा मोर्चा के सदस्यों ने जमकर हिस्सा लिया। পাঁচ বছর ধরে আন্দোলন করে আছি। স্কুল ড্রেস নিয়ে আন্দোলন করছিলাম, তারপরেও কিন্তু কোনো ইয়ে হয়নি। স্কুল ড্রেস তো দূরে থাক, এমনকি কোনো একটা সুযোগ সুবিধাও পাচ্ছি না। আমরা যে স্কুল ড্রেস নিয়ে আন্দোলন করতেছি, কিন্তু স্কুল ড্রেস নিয়ে যে আমরা আন্দোলন করতেছিলাম, তারপর থেকে আমরা জানতে পারলাম যে সঙ্গে ভোট হয়, সঙ্গে এত কিছু আছে। আমাদের যে একটা দল, স্বনির্ভর দল, সেই স্বনির্ভর দলে যে কতটা শক্তি, কিন্তু আমরা সেটা আগে জানতাম না। এই স্কুল ড্রেসের জোর আন্দোলন করতে গিয়ে আমরা কিন্তু সেটা জানলাম যে আমাদের স্বনির্ভর দলের একটা কতটা শক্তি, সেই শক্তিটা আমরা কোনোদিনও প্রয়োগ করতে পারিনি এবং আমরা জানিও না। এই যে সঙ্গের যে সম্পাদিকা আছে, সিএসপি আছে, সঙ্গে যে একটা বডি আছে এবং উপলেভেল থেকে বিডিও, জয়েন্ট বিডিও সভাপতি এবং ডিএমপিটি শুদ্ধ কাটমানি করে আমাদের স্বনির্ভর দলকে চেপে রেখেছে, চেপে রেখেছে এবং যত সব সরকার সাবসিডি দিচ্ছে সবগুলো ওরা দুর্নীতি করে খেয়ে নিচ্ছে। আমাদেরকে কিছু পাচ্ছে না। হ্যাঁ, আমরা অবরোধ করেছি, আমরা মিছিল করেছিলাম, আমরা প্রায় ওখানে 10,000 মহিলা ছিলাম, মিছিল করেছি, অবরোধ করেছি, ডিএম অফিসেও আমরা ধর্ণা পর্যন্ত দিয়েছি, কিন্তু আমাদের কোনো সুরাহা হয়নি। এখন কি আজকে পর্যন্ত আমাদের কোনো সুরাহা হচ্ছে না। আর সামনে যে আমাদের একটা ভোট হয়, সঙ্গের যে আমাদের একটা ভোট হয়, আমরা কোনো মহিলা কিন্তু জানি না, কোনো দল কিন্তু জানে না যে আমাদের ভোট হয়। সেই ভোটটা আমরা জানতে পারলাম ডিএম অফিসে যাই। এবার ডিএম অফিসে যাওয়ার পর যে ভোটটা হয় আমাদের, আমরা যে জানতে পারলাম, পারার পর কিন্তু আমরা নেমে পড়ছি আমরা ভোটটা করবো। আমরা যেহেতু সিলেকশন করে ভোট দিচ্ছি, আমরা কেউ জানতে পারতেছি না, তার জন্য আমরা সবাই এখন ইলেকশন ভোট করব। সরকারি মতে কিন্তু ইলেকশন ভোট হয়, কিন্তু আমরা স্বনির্ভর দল জানি না। এই যে বিডিও অফিস থেকে, ডিএম অফিস থেকে শুরু করে, সিএসপি সম্পাদিকা থেকে শুরু করে, সবাই এরা কাটমানি করে দুর্নীতিতে ভরিয়ে দিয়েছে এবং ওরা চুপে চাপে সিলেকশন ভোট করে ওরা ওদের মোটো বডি তৈরি করতেছে। আজকে লিয়ে বাস ইতনা হি, তমাম খবরগুলি দেখতে রহিয়ে এসকে লাইভ, আপকা সময়, আপকি খবর, ধন্যবাদ।